नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के मंथली करंट अफेयर पे। देखिए, दिसंबर महीने के मंथली करंट अफेयर का ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन और पार्ट टू जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उस पर हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो अगर आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन दोनों को देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और देखिए, जो आपका ये पार्ट वन है और पार्ट टू है, ठीक है, इसमें लगभग मैंने 200 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया और इस वीडियो में भी लगभग हम 100 प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक भी करेंट अफेयर आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि जितने भी करेंट अफेयर हैं सभी आपकी आगामी परीक्षा के लिए रामबाण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और देखिए, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसको लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्र जो है इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अमेरिका में जो भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। और देखिए, हर्षवर्धन श्रृंगला ने नवतेज सरना का स्थान लिया है इस पद पर। तो याद रखिएगा कि अमेरिका में हाल ही में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है रीवा गांगुली दास। और देखिए, जो आपकी रीवा गांगुली दास हैं, इन्होंने इस पद पर हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त हाल ही में अपॉइंट किया गया है रीवा गांगुली दास को। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है, ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। तो ये खास बातें आप याद रखिएगा। और देखिए, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा 2018 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, जो आपके नोवाक जोकोविच हैं, इनको पुरुष श्रेणी में और सिमोना हालेप को जो है महिला श्रेणी में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF के द्वारा 2018 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है। इन दोनों का नाम आप याद रखेगा। और देखिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है प्रणब कुमार दास। और देखिए, प्रणब कुमार दास ने इस पद पर एस रमेश का स्थान लिया है। तो एक लाइन में दिमाग में फीड कर लीजिए कि हाल ही में प्रणब कुमार दास को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का जो है अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और देखिए, छठा प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किस प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को बैंक के गृह ऋण यानी कि जो आपका कर्नाटक बैंक है, इसका जो होम लोन है, इसके उत्पाद की पेशकश करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपका है paisabazaar.com। और देखिए, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। तो देखिए, इसको खोला गया है हरियाणा के झज्जर में। तो फिर से बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, इसको खोला गया हाल ही में झज्जर हरियाणा में। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान से इसरो ने GSAT-7A सेटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। तो देखिए, जो आपका GSAT-7A सेटेलाइट, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है श्रीहरिकोटा। और देखिए, जो आपका श्रीहरिकोटा है, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी श्रीहरिकोटा में स्थित आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस GSAT-7A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और देखिए, इस GSAT-7A सैटेलाइट की खास विशेषता है कि इसका वजन 2250 किलोग्राम था और इसका जो लाइफ पीरियड है, ये आपका 8 साल तक है। ठीक है, ये 8 साल तक जो है अंतरिक्ष में रहेगा और अपनी सेवाएँ प्रदान करेगा। और देखिए, नवा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आवर्जन समझौतों पर बढ़ते विवाद के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री आपके हैं बेल्जियम के। ठीक है, तो बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के आवर्जन समझौते पर बढ़ते विवाद के बीच जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और देखिए, दसवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 6 महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो देखिए, 19 दिसंबर 2018 को जो है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 6 महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद। और देखिए, 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं WB रमन। तो याद रखना है कि WB रमन को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया गया दिसंबर 2018 में। और देखिए, 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत और चीन के बीच में पहली पीपुल्स टू पीपुल्स एक्सचेंज बैठक आयोजित की गई। तो देखिए, ये बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 21 दिसंबर 2018 को। तो देखिए, फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में जो है खूब पूछी जाती हैं। तो ये भी पहली बैठक है भारत और चीन के बीच में, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से बता दूं एक लाइन में कि अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में पहली पीपुल्स टू पीपुल्स एक्सचेंज बैठक नई दिल्ली में 21 दिसंबर 2018 को जो है आयोजित की गई।
और देखिए 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एशियाई शेरों और इनसे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की आबादी की रक्षा और संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। तो देखिए इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर से बता दूं कि अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एशियाई शेरों और इनसे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की आबादी की रक्षा और संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 25 प्रतिभाशाली किसानों की सूची में भारतीय मूल के कितने छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। तो देखिए इस सूची में भारत के टोटल 3 छात्र और छात्राएं शामिल हैं। इनका नाम क्या है? देखिए पहले का नाम है काव्या कोप्पा रापू और दूसरे का नाम है ऋषभ जैन और तीसरी का नाम है अमिका जाट। तो आपको इन तीनों का नाम रखना है। पहली छात्रा है काव्या कोप्पारुपू जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रही समय भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। दूसरे आपके हैं ऋषभ जैन और तीसरे का नाम है अमिका जाट जो कि भारतीय ब्रितानी छात्र हैं। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रखेगा। और देखिए 15वां प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो देखिए ये पुलिस स्टेशन आपका है राजस्थान का और इसका नाम है कालू पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो राजस्थान का जो कालू पुलिस स्टेशन है ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में जो है पहले स्थान पर है। और देखिए 16वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने ओलंपिक खेलों हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए इसने समझौता किया है JSW के साथ। याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है इसने ओलंपिक खेलों हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए JSW के साथ हाल ही में समझौता किया है दिसंबर 2018 में। और देखिए 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थिति को सेरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए लोकसभा में सेरोगेसी नियामक विधेयक को पारित किया गया? तो देखिए ये पारित किया गया 19 दिसंबर 2018 को। याद रखना है कि 19 दिसंबर 2018 को सेरोगेसी से उभरने वाली समस्याओं से निपटने के लिए लोकसभा में सेरोगेसी नियामक विधेयक जो है पारित किया गया। और देखिए ये विधेयक जो है ये व्यावसायिक सेरोगेसी और इससे जुड़े अनैतिक कार्यों पर जो है रोक लगाएगा। और देखिए 18वां प्रश्न है कि किस तिथि को किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका फार्मर्स डे है ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है और आप फोटो देख के समझ गए होंगे। देखिए 23 दिसंबर 1902 की बात है, 23 दिसंबर 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। तो इनके जन्मदिन को जो है यादगार बनाने के लिए सरकार ने घोषणा की कि इनके जन्मदिन को अब हम किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और देखिए जो आपका चौधरी चरण सिंह है इनका जन्म जो है ये 23 दिसंबर 1902 में जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नूरपुर गांव में जो है एक जाट परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 23 मई 1987 को हो गई थी। और देखिए 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास है ये आपका जो है चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसके बारे में एग्जाम में हर साल पूछा था कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो फिर से बता दूँ कि हाल ही में चीन के चेंगडू में जो है भारत और चीन के बीच में जो है हैंड इन हैंड नामक एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया और इसकी तारीख क्या रही? देखिए इसकी तारीख रही 10 से 23 दिसंबर 2018। और 20वां प्रश्न है कि हाल ही में वस्तु और सेवा कर परिषद ने कितने वस्तुओं और सेवाओं पर जो है GST कर की दर कम किया है? तो देखिए दिसंबर 2018 में टोटल 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जो है वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि GST परिषद के द्वारा जो है GST की दर कम की गई है। और देखिए खास बात है इसमें जो है फिल्म टिकट TV मॉनिटर स्क्रीन पावर बैंक इत्यादि शामिल है। और देखिए ये जो नई दर है आपकी जो है 1 जनवरी 2019 से जो है लागू हो चुकी है। और देखिए 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने जनवरी 2019 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए ई रुपया कार्ड लॉन्च किया है? तो देखिए कुंभ मेला अब स्टार्ट भी हो गया है और इसके लिए जो है ई रुपया कार्ड लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इस बार कुंभ मेले में जो है डिजिटल पार्टनर भी बना है। तो फिर से बता दूं कि जनवरी 2019 में जो आपका प्रयागराज में आयोजित हो रहा है कुंभ मेला, इस कुंभ मेले में जो है ई रुपया कार्ड लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा और पंजाब नेशनल बैंक जो है इस बार कुंभ मेले में डिजिटल पार्टनर भी बना है। और देखिए 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में शटडाउन के चलते 3.8 लाख कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया? तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। याद रखना है कि अमेरिका में शटडाउन की समस्या के चलते 3.8 लाख कर्मचारियों को जो है छुट्टी पर भेज दिया गया। और देखिए अगर आप शटडाउन के बारे में जानना चाहते हैं कि शटडाउन क्या होता है तो आप जो है 22, 23 और 24 दिसंबर का जो है करंट अफेयर देख लीजिएगा पिछले महीने का, ठीक है, दिसंबर 2018 का, आपको शटडाउन के बारे में पता चल जाएगा कि ये शटडाउन क्या होता है। और देखिए 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी फटने से आई भयंकर सुनामी से लगभग 222 लोगों की मौत हो गई? तो देखिए ये देश आपका है इंडोनेशिया। देखिए दिसंबर 2018 में इंडोनेशिया में जो है भयंकर सुनामी आई थी ज्वालामुखी फटने के कारण और 222 से ज़्यादा लोगों जो है वहाँ पे मौत हो गई इस भयंकर सुनामी से। और देखिए ये सुनामी जो है इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू बंद में कराकाटोवा ज्वालामुखी के फटने के बाद आई।
और देखिए 24वां प्रश्न है कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में किस देश की फुटबॉल टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो देखिए ये फुटबॉल टीम है आपकी बेल्जियम की। और देखिए जो फीफा ने ताजा रैंकिंग जारी की है इसमें बेल्जियम की फुटबॉल टीम पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पर फ्रांस की फुटबॉल टीम है, तीसरे स्थान पर ब्राजील की फुटबॉल टीम है, चौथे स्थान पर क्रोएशिया की है और पांचवें स्थान पर आपकी जो है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम है। तो इन पांचों की रैंकिंग याद रखेगा। और 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मार्स लैंडर इनसाइट उपग्रह द्वारा मंगल ग्रह पर अपने उपकरण को स्थापित किया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और देखिए जो इनसाइट है इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए इनसाइट का पूरा नाम है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस गोडसे एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो आप इनसाइट का पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक लाइन में कि हाल ही में अमेरिका ने जो है मार्स लैंडर इनसाइट उपग्रह द्वारा जो है मंगल ग्रह पर अपने उपकरणों को स्थापित किया है और यहाँ पे कई चीज़ों का आप जो है ये पता लगाएगी इसके द्वारा। और देखिए 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई हैं। तो देखिए इनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी। तो याद रखना है कि वेदांगी कुलकर्णी जो है ये साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई हैं। और देखिए 27वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिलने वाले सिलाव खाजा व्यंजन को GI टैग प्रदान किया गया। तो देखिए जो आपका सिलाव खाजा है ये आपका जो है बिहार का है, ठीक है। तो सिलाव खाजा व्यंजन बिहार से संबंध रखता है और इसको भी हाल ही में जो है GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। और देखिए इससे पहले बिहार की जो शाही लीची थी इसको भी जो है GI टैग प्रदान किया गया था। और 28वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तो देखिए ये 100 रुपये का सिक्का जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में जो है जारी किया गया था 25 दिसंबर 2018 को। तो ये खास बात याद रखिएगा। और देखिए 29वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो देखिए दुनिया का जो 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है ये बना है भारत, इसीलिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। और देखिए जर्मनी को पछाड़कर भारत जो है ये 7वें स्थान पर पहुंचा, ये खास बात याद रखिएगा। और देखिए बाजार पूंजीकरण के मामले में अमेरिका की जो शेयर बाजार है ये दुनिया में पहले स्थान पर है। और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में RBI ने विलफुल डिफॉल्टरों और कर्जदारों के बारे में जानकारी देने को लेकर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने के लिए TCS और विप्रो समेत कितनी संस्थाओं का चयन किया है। तो देखिए टोटल 6 संस्थाओं का चयन किया गया है और इसमें पहला आपका है SEBI और दूसरा आपका है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, तीसरा है GST नेटवर्क, चौथा आपका है भारतीय दिवालिया एवं दिवालियापन बोर्ड और पांचवा है आपका TCS और छठवां है विप्रो। तो इन 6ों का नाम याद रखना है, ठीक है। और देखिए विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं, जैसे कि विजय माल्या। और देखिए 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। तो देखिए दिसंबर 2018 में जो है पैट्रिक शनहान को जो है अमेरिका का कार्यवाहक रक्षा मंत्री अपॉइंट किया गया था और देखिए इन्होंने स्थान लिया था जिम मैटिस का। और देखिए 32वां प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा तट के किस परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए दिसंबर 2018 में जो है ओडिशा तट से जो है अग्नि 4 का परीक्षण किया गया था, जो आपका ओडिशा है वहां से, ठीक है। और देखिए जो आपका ये अग्नि 4 मिसाइल है ये इसका 7वां परीक्षण था जो कि दिसंबर 2018 में किया गया। तो ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो आपका अग्नि 4 है, ठीक है, इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजना की नींव रखी। तो देखिए इस नींव रखी गई थी इसकी जो है ओडिशा में। तो याद रखना है एक लाइन में कि अभी हाल ही में दिसंबर 2018 में जो है ओडिशा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजना की जो है नींव रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकीकरण में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले लोगों के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है। तो देखिए इस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार और इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम सरदार पटेल अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय एकीकरण में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार यानी कि सरदार पटेल अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन की जो है घोषणा की थी। और देखिए 35वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए दिसंबर 2018 में जो है हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका उद्घाटन किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो फिर से एक लाइन बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 2018 में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया हरियाणा के गुरुग्राम में।
और देखिए 36वां प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री को 55वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया सुरेश प्रभु को। तो याद रखना है कि सुरेश प्रभु को जो है 55वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, यहाँ पर जो इनको स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर पुरस्कार दिया गया। और देखिए 37वां प्रश्न है कि किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और देखिए इसकी 2018 के लिए थीम क्या रही, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 की थीम रही टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो ये खास बात आप याद रखिएगा। और देखिए 38वां प्रश्न की किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और देखिए फोटो देख के आप समझ गए होंगे, देखिए 22 दिसंबर 1887 को जो है श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इनका जो है जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ये 26 अप्रैल 1920 को हो गई थी। तो इनके जन्मदिन को यानी कि 22 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में। और 39वां प्रश्न की हाल ही में अडाप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के अंतर्गत कितने नए स्मारकों को अपनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 10 नए स्मारकों को अपनाया गया है। पहला स्मारक आपका है लाल किला, दूसरा है गांधी कोटा किला और तीसरा आपका गंगोत्री मंदिर और ट्रेल से गौमुख के आसपास का क्षेत्र, चौथा आपका है माउंट स्टोक कांगरी ट्रैक लद्दाख और जो आपका पांचवा है जंतर मंदिर, छठा है सूरज कुंड और सातवां है कुतुब मीनार, आठवां है अजंता गुफाएं, नौवां है ले पैलेस ले और दसवां है हम्पी। और देखिए जो आपका हम्पी है यहाँ पे जो है हजारा राम मंदिर है, ठीक है, तो ये इंक्लूड है इसमें। तो आप इन 10 का नाम जो है अलग से कहीं नोट कर लीजिए, इनमें से किसी का नाम भी एग्जाम में पूछा सकता है। और देखिए 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री को प्रदेश के समग्र विकास में उनके योगदान के लिए स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये घोषणा की गई थी दिसंबर 2018 में और ये अवार्ड जो है बंट भी चुका है। तो जो आपकी पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनको जो है दिसंबर 2018 में जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। और 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII ने CII ग्लोबल SME बिजनेस समिट के 15वें संस्करण का आयोजन किया। तो देखिए इसका आयोजन जो है किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। और देखिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा जो आपका ये CII ग्लोबल SME बिजनेस समिट 2018 था, इसका थीम रहा बिल्डिंग पार्टनरशिप थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेंज। और देखिए ये जो है 19 और 20 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सभी खास बातें आप याद रखेंगे। और देखिए 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी कैपिटल फर्स्ट के साथ विलय की प्रक्रिया पूरी की। तो देखिए ये बैंक आपका है IDFC बैंक। तो आपको याद रखना है कि जो आपका IDFC बैंक है इसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैपिटल फर्स्ट के साथ विलय कर लिया है और अब जो है इसका एक कॉमन नेम हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो IDFC बैंक और जो आपका कैपिटल फर्स्ट है इन दोनों का विलय हो जाएगा और इसके बाद जो है ये IDFC फर्स्ट बैंक के नाम से जाना जाएगा। और ये 43वां प्रश्न है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। याद रखना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से जो है एक समझौता किया है जो कि ग्रामीण युवकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और देखिए 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 9वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए जो आपकी ये 9वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक है ये नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई थी दिसंबर 2018 में। और 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मंगोलिया के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए मंगोलिया में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं मोहिंदर प्रताप सिंह। और 46वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जिबूती गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ जिबूती में जो है भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इनका नाम है अशोक कुमार। याद रखना कि अशोक कुमार को जिबूती गणराज्य में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। और 47वां प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया है, ये किस कानून की जगह लेगा। तो देखिए ये जगह लेगा उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का। और 48वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नई बाल सुरक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो देखिए नई बाल सुरक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और 49वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के समग्र विकास के लिए कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इन एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कि कालिया नामक योजना शुरू की है। तो देखिए इस कालिया नामक योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और देखिए जो आपकी ये कालिया योजना है यानी कि कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन योजना है, इसके अंतर्गत खरीफ और रबी सत्र के लिए किसानों को प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की दर से जो है 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यानी कि 5,000 रुपये जो है खरीफ की फसल के दौरान और 5,000 रुपये जो है रबी की
फसल के दौरान जो है प्रदान किए जाएंगे, यानी कि टोटल 10,000 रुपये दिए जाएंगे एक ईयर में, यानी कि एक साल में। और 50वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल की जो है कैद की सजा सुनाई गई है। तो देखिए ये प्रधानमंत्री आपके हैं नवाज शरीफ, नाम तो इनका नवाज शरीफ है लेकिन बहुत बड़े बेईमान हैं। देखिए नवाज शरीफ जो है इनको भ्रष्टाचार के आरोप में जो है अभी हाल ही में जेल में डाला गया है 7 सालों के लिए। और देखिए ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और देखिए इनको जो है अल जजीजिया स्टील केस में जो है दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। और देखिए 51वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता 2018 में कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर रहा। तो देखिए ये नगर निगम आपका है आगरा नगर निगम। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा नगर निगम है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता 2018 में पहले स्थान पर रहा। और देखिए इसमें जो है दूसरे स्थान पर गाजियाबाद रहा और तीसरे स्थान पर जो है आपका लखनऊ का नगर निगम रहा। और 52वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो देखिए ये राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। और देखिए इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपकी मातृत्व लाभ कार्यक्रम है इसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है 19 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, सुरक्षित प्रसव और पोषण इत्यादि की सुविधा जो है प्रदान की जाती है। और देखिए 53वां प्रश्न है कि हाल ही में असम की कोकिला के नाम से विख्यात किस प्रसिद्ध असमिया गायिका का निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम है दीपाली बोरठाकुर। तो याद रखना कि दीपाली बोरठाकुर जो है ये असमिया गायिका थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनको जो है असम की कोकिला के नाम से जाना जाता था। और देखिए 54वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भीड़ द्वारा हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित किया है। तो देखिए इस विधेयक को पारित किया गया है मणिपुर की सरकार के द्वारा। और देखिए इस विधेयक को नाम दिया गया है द मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल 2018, ठीक है, तो ये खास बात याद रखिएगा। और 55वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं बीपी राव। और देखिए 56वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गीतेगा को अपनी राजनैतिक राजधानी बनाने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी गीतेगा है ये अब जो है राजनैतिक राजधानी होगी बुरुंडी की। बुरुंडी के पास अब दो राजधानी होंगी, पहली होगी राजनीतिक और दूसरी आर्थिक। और इसकी जो राजनीतिक राजधानी ये गीतेगा होगी और जो बुरुंडी की आर्थिक राजधानी ये बुजुम्बरा होगी। और देखिए बुरुंडी जो है आपका एक अफ्रीकन देश है और बुरुंडी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है। और 57वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश का 12वां फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला गया है। तो देखिए इसको खोला गया हाल ही में बिहार राज्य में। तो याद रखना कि बिहार राज्य में हाल ही में भारत का 12वां फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला गया है और ये इंस्टीट्यूट जो है बिहार की राजधानी पटना में खोली गई है। और 58वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुल 17 पुरस्कार जीते हैं। तो देखिए ये 17 पुरस्कार जीते हैं भारतीय रेलवे ने। याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुल जो है 17 पुरस्कार जीते दिसंबर 2018 में। और 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो देखिए इनका नाम है पीवी भारती। याद रखना है कि पीवी भारती को हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया था दिसंबर 2018 में। और 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में त्रिपक्षीय चाबहार समझौते के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। तो देखिए ये बैठक जो है दिसंबर 2018 में आयोजित की गई थी ईरान में। और 61वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने चीन के दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को कितने माह तक बढ़ा दिया है। तो देखिए टोटल बढ़ाया गया है 4 महीने के लिए और ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा। देखिए चीन के सभी दुग्ध उत्पादों पर जो है अब 23 अप्रैल 2019 तक जो है प्रतिबंध लागू रहेगा। और देखिए चीन से आयात होने वाले इन दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन होने की जो है आशंका के मद्देनजर जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। और मेलामाइन क्या होता है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मेलामाइन जो है एक विषाक्त पदार्थ है जिसका उपयोग प्लास्टिक और उर्वरक बनाने में होता है। और 62वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल, इसका नाम है बोगीबिल, का उद्घाटन किया। तो देखिए ये बोगीबिल ब्रिज आपका जो है असम राज्य में स्थित है, इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिसंबर 2018 में। और इसके बारे में खास बात है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है बोगीबिल ब्रिज और इसमें जो है बनाने के लिए इसके जो है मटेरियल यूज़ किया गया स्टील और कंक्रीट का और इसकी टोटल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। तो ये सभी खास बातें याद रखिएगा। और देखिए 63वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के बाल देखभाल संस्थान को यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का जो है नाम बदलकर जो है जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की गई है।
तो देखिए ये घोषणा की गई 2018 में हरियाणा सरकार के द्वारा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने जो है ये घोषणा की। तो याद रखना है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 2018 में हरियाणा में जितने भी बाल देखभाल संस्थान यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया, इसको जो है जगन्नाथ आश्रम जो है इनका नाम दे दिया। और 64वां प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का जो है शुभारंभ किया गया। तो देखिए जो आपका तानसेन समारोह है, ठीक है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है आयोजित किया जाता है हर साल। और देखिए इस बार जो है इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जो है केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। और 65वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात सितार वादक को वर्ष 2018 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया। तो देखिए इनका नाम है मंजू मेहता। तो याद रखना है कि 2018 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है ये मंजू मेहता को दिया गया। और 66वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत के पुरुष मुक्केबाजी मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए इनका नाम है CA कटप्पा। तो जो आपके CA कटप्पा हैं इनको जो है पुरुष मुक्केबाजी मुख्य कोच के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है 2018 में, और इन्होंने SR सिंह का जो स्थान लिया है इस पद पर। और देखिए 67वां प्रश्न है कि द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो आपका द्विजिंग फेस्टिवल है यानी कि द्विजिंग महोत्सव आपका जो है असम राज्य में मनाया जाता है, और ये महोत्सव जो है इस बार 27 दिसंबर को असम में चिरांग जिले में AA नदी के तट पर जो है मनाया गया। और 68वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो देखिए जो आपका भारत का 25वां उच्च न्यायालय ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, और ये उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। और देखिए 69वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्य के ग्रामीण छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये शुरू किया गया हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, और ये प्रश्न मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2018 को जो है महाराष्ट्र के ग्रामीण छात्रों के लिए जो है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल जो है इसका शुभारंभ किया है। और 70वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रामेश्वरम तमिलनाडु से राम सेतु के शुरुआती बिंदु माने जाने वाले धनुषकोडी तक कितने करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाए जाने को मंजूरी दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 208 करोड़ रुपए। और देखिए ये 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई जाएगी, देखिए ये आपका जो है धनुषकोडी है जो कि राम सेतु का यानी कि जो आपका एडम्स ब्रिज को कहते हैं अंग्रेजों, तो हम इसको राम सेतु बोलेंगे। तो राम सेतु का जो शुरुआती बिंदु है धनुषकोडी, यहाँ से जो है रामेश्वरम बिछाई जाएगी, और इसकी टोटल लागत होगी 208 करोड़ रुपए। तो ये खास बात याद रखिएगा। और देखिए 71वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की संसद ने मेडिकल उपयोग और शोध के लिए मारीजुआना यानी कि गांजा का उपयोग जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये देश आपका है थाईलैंड, और देखिए इससे पहले कनाडा में जो है ये मंजूरी प्रदान की थी। तो अभी हाल ही में जो है जो थाईलैंड देश है इसने मेडिकल उपयोग और शोध के लिए जो है मारीजुआना यानी कि गांजा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। और देखिए भारत की बात करें तो देखिए भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में और उत्तराखंड राज्य में जो है कानूनी रूप से जो है भांग की खेती होती है। और देखिए 72वां प्रश्न है कि भारत का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए जो भारत का पहला संगीत संग्रहालय आपका जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और 73वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने जा रहा है जापान, ठीक है। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है ये क्या चीज़ है, देखिए ये एक जो है इंटरनेशनल बॉडी है जो कि जो है कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स यानी कि जो आपकी व्हेल मछली इनके संरक्षण के लिए काम करती है। और देखिए जो आपका 74वां प्रश्न यह है कि हाल ही में किसे या किन्हें मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। तो देखिए मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया 2018 का जो है लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर को और उषा टेमिथोई को, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। 75वां प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गुजरात के गिर से एशियाई सेनों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा अंतिम शर्त के अनुपालन के रूप में किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो देखिए ये अभयारण्य है कुनो पालपुर अभयारण्य, ये अब जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये 76वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो है किया गया ओडिशा राज्य में, ठीक है। और देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है यानी कि नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस है, ये आपका 27 से 31 दिसंबर तक जो है ओडिशा में आयोजित किया गया था, और इसकी थीम रही 2018 के लिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। तो थीम जरूर याद करिएगा, थीम जो एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। 77वां प्रश्न है कि मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 का किताब किसने जीता। तो देखिए ये किताब जीता है दिव्या पाटीदार जोशी ने, तो इनका नाम याद रखिएगा। और देखिए 78वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय जिले ने नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए ये जिला आपका है
तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला। याद रखना कि तमिलनाडु का जो विरुधुनगर जिला है ये नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर है। और देखिए इस दूसरी डेल्टा रैंकिंग में जो है दूसरे स्थान पर आपका है ओडिशा का नुआपाड़ा जिला, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला है, चौथे स्थान पर बिहार का औरंगाबाद जिला है और पांचवें स्थान पर ओडिशा का कोरापुट जिला है। और 79वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने टिहरी जेल में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इसको मंजूरी दी उत्तराखंड की सरकार ने। अब जो उत्तराखंड में स्थित आपका टिहरी जिला यहाँ पर जो है सी प्लेन चलाया जाएगा, ठीक है। अब जो है गोवा वाला आनंद जो है अब टिहरी जेल में उत्तराखंड में ले सकेंगे। और 80वां प्रश्न है कि हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर को रेल किराए में कितने प्रतिशत का रियायत देने की घोषणा की गई है। तो देखिए टोटल 40% का जो है रियायत दिया जाएगा जो आपका रेल भाड़ा होगा उसमें। तो फिर से बता दूं कि रेल मंत्रालय जो है इसने कहा है कि 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के जितने भी ट्रांसजेंडर होंगे, ठीक है, उनको रेल किराए में जो है 40% की जो है रियायत दी जाएगी। और 81वां प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है। तो देखिए ये वार्निंग सिस्टम बनाया गया है IIT रुड़की के द्वारा। और देखिए ये सिस्टम जो है ये 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटकों का पता लगते ही जो है एक्टिवेट हो जाएगा और लोगों को अलर्ट कर देगा। और 82वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर कब तक कर दी है। तो देखिए इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है 30 जून 2019 तक। तो ये डेट याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी है। और 83वां प्रश्न है कि हाल ही में किस उर्दू भाषा साहित्य और साहित्यिक आलोचना की दुनिया के साहित्यकार का निधन हो गया है जो इत्ती शाफी तंकीद के प्रचारक थे। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर हमीदी कश्मीरी। याद रखना है डॉक्टर हमीदी कश्मीरी जो है ये उर्दू भाषा साहित्य और साहित्यिक आलोचना की दुनिया के साहित्यकार थे। इनका अभियाली में निधन हो गया है और ये इत्ती शाफी तंकीद के प्रचारक थे। और देखिए 84वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने द डिबेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जीता। तो देखिए द डिबेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिसंबर 2018 में आदि साई विजय करण ने जीता था। इनका नाम याद रखेगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 85वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की नींव रखी। तो देखिए इसकी नींव रखी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और इसकी खास बात है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का पहला केंद्र है। तो फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी जिले में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की हाल ही में नींव रखी दिसंबर 2018 में। और देखिए 86वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 29 दिसंबर को पेंशनर्स की सुविधा के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर का नाम है संपन्न और संपन्न का पूरा नाम है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट आप पेंशन। तो याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 29 दिसंबर को पेंशनर्स की सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है संपन्न और संपन्न का पूरा नाम है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। और देखिए जो आपका 87वां प्रश्न यह है कि बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए जो आपका बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार है इसको जीता लुका मॉड्रिक ने। और 88वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से व्यक्ति अकेले अंटार्कटिका पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए इनका नाम है कालिन ओब्रेडी। याद रखना कि कालिन ओब्रेडी जो है ये अमेरिका के बिलोंग करते हैं और ये अंटार्कटिका जो है अकेले पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और देखिए 89वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस एक्ट में संशोधन करके 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान किया है। तो देखिए ये एक्ट आपका है पाक्सो एक्ट 2012। तो याद रखना है कि दिसंबर 2018 में जो है पाक्सो एक्ट 2012 में संशोधन किया गया और इस एक्ट में संशोधन करके 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति जो है मौत की सजा देने का जो है प्रावधान किया गया। और देखिए 90वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के लिए 2,159 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया। तो देखिए इस बैंक का नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दिसंबर 2018 में जो है भारत सरकार ने टोटल 2,159 करोड़ रुपए का जो है वित्त पोषण किया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और देखिए 91वां प्रश्न है कि 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो देखिए जो आपका 42वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस है ये आपका जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में की IIT विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया और इसकी थीम रही ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल इरा।
तो देखिए यहाँ पे आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला ये कि जो आपका इस बार का भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस आयोजित किएगा, ये 42वां संस्करण था इसका, जो कि आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में की IIT विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, और इसकी थीम रही ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल इरा। तो ये थे आपके दिसंबर महीने के पार्ट 3 के सभी करंट अफेयर। इसको आप जो है फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम देने के पहले इस जितने भी इसके पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, इन तीनों को रिवाइज करके जाइए, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं, और मुझे आप ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, तो इन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।